कब एग्जाम है पहले ये बताओ, आपका ये जो आपका बैक आया है इसका एग्जाम कब है? सर ट्यूसडे को। ट्यूजडे को। तो आज तुमने तकरीबन 5-6 महीने के बाद आज अपनी आवाज सुना दी यार हमें, है ना? बहुत लंबे अरसों के बाद। खैर, तो आपने ये रिपोर्ट कार्ड कब आया? आज आया? सर रिपोर्ट कार्ड तो नहीं आया, वो हमारी फाइनल रिपोर्ट कार्ड से पहले सारे रिटेस्ट दिलवा दें। ओके, ठीक है। तो ये एग्जाम आपका ऑनलाइन हुआ था क्या? नहीं सर ऑफलाइन था। ऑफलाइन था। तो ये जो सॉल्यूशन आपने भेजा है, कौन सा सॉल्यूशन है फिर? सर ये उसी का है। आपने खुद सॉल्व किया इसे, घर पे सॉल्व किया इसे? यस सर। आपने घर पे सॉल्व किया आपको? ठीक है, आपके पास। ओके, अच्छा एक बात बताइए, आपने कुछ रिवाइज किया, कोई चैप्टर ऐसा? हाँ सर सारा एक बार किया था रिवाइज। सारा रिवाइज कर लिया आपने? कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एडजस्टमेंट्स आ रहा है, एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर और एरर्स वाला चैप्टर आ रहा है। बस ये तीन? सर विदाउट एडजस्टमेंट भी और एडजस्टमेंट दोनों चैप्टर वो आ रहे हैं। ओमिशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आ रहा है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बस इतना ही आ रहा है ना? लास्ट हाँ टाइम भी इतना ही आया होगा, तो सिलेबस तो बहुत कम है आपका फिर भी। चल कोई नहीं, थोड़ा सा आप मुझे बताते चले कि क्या आपको कुछ याद है, कहाँ तक याद है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर मुझे ना इनकम्प्लीट वाले में ही है। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट आता है आपको ना? हाँ सर बाक वो सब हो गया था हमारा रिवीजन अच्छे से, लेकिन सर बार बार गलती होती है मुझसे, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ही होती है। अच्छा ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसको लेके फिर मैं आगे बढ़ूँ उसमें। ठीक ठीक है सर। है, सर मुझे हाँ मैंने जो आपको सॉल्यूशंस भेजे थे आपने वो चेक कर लिया? मैं वही चेक कर रहा था, मैं वो जानना चाह रहा था कि ये सॉल्यूशन आपने अब किया है, पहले का था, क्या था? ठीक है, तो वही मैं देख रहा था, मैं उसको और डिटेल में देखूंगा, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसको मैं देखना चाह रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैथ्स में ये 33 1/3% को आप कैसे सॉल्व करेंगे पहले, अब बताइए मुझे। सर मैंने तो अस्यूम करके क्या था इस अभी तो नहीं, सॉल्व बस ये। इतना सॉल्व करके बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, बस ये बताइए। सर 33 1/3 तो सर वो होता है 100/3% बोल रहा है ये बेसिकली। 100/3% बोल रहा है, तो इसको और सॉल्व करना हो तो, और सिंपलीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसको सर हम वो कर लेंगे 100/3 × 1/100। 1/100 कर लेंगे, तो ये 100 से 100 हट जाएगा बेटा, कितना बचा? 1/3 बच गया ये। बात समझ में आई आपको? यस सर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये तो मैंने क्लास के दौरान भी ये क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। इसमें आया है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इन्होंने कहा कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा, इन्होंने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है बेटा वो 33 1/3% ऑन कॉस्ट है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, यस सर। ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको मालूम है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? यस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बताइए। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ओपनिंग स्टॉक परचेज स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ये होता है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, आपके पास तो क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 3 एग्जाम का आया हुआ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे नेट सेल्स इज इक्वल टू का ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कहा ये सही है? यस सर। बताइए नेट सेल्स कितना आएगा बेटा? सर नेट सेल्स हमारा 1 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए कितना लिखूं? 1/3 ऑफ किसका? कॉस्ट का। और कॉस्ट कितना है बेटा? एक्स है। इसको सॉल्व करना है। 3x+3x, ये आपको समझ में आई बात? ये जो मैंने किया आपको इक्वेशन ये बना के दिखाया, ये सही समझ में आया आपको? बेटा ये तहा ये समझ में आया आपको? ये हाँ सर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 लाख इक्वल टू 4x। हाँ 3 लाख इज इक्वल टू 4x, और डिवाइड कर देंगे 4x से तो 3 लाख अपॉन 4x कितना हो जाएगा बेटा? सही है ये? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चे 75,000, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 20,000, नेट परचेजेस भी गिवन है बेटा इसमें 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है, क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना था। ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस में है तो इधर इज इक्वल टू के दूसरे अपोजिट साइड में लेके जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये टोटल मिला के 90,000 है। ये 75 इधर था, इधर लेके आ गए माइनस में 75 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 15,000। बताइए क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो आपने जो क्लोजिंग स्टॉक निकाला है वो तो बिल्कुल ही नहीं सर, मैंने सही निकाले वो क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने नीचे लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिख दिया। हाँ वो सर पहले सही लिखा था, काट के गलत लिख दिया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि आपको सिंगल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर। तो सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में बेटा 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5, और उन्होंने बोला है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस, सबसे एंड में ये लाइन लिखी भी है, मिला आपको क्वेश्चन नंबर 5 का? हाँ यस सर। देखिए सिंगल एंट्री में आपको याद है कि जब भी प्रॉफिट लॉस की बात कोई करता है ना सिंगल एंट्री में, तो बेटा उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और वो स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है,
और ये स्टेटमेंट में क्या होता था, इस स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल। याद है आपको स्टेटमेंट, याद है? नहीं सर, स्टेटमेंट नहीं याद है। स्टेटमेंट याद नहीं है आपको, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस का एडिशनल कैपिटल, अब ध्यान से देखिएगा, और ऐड करते हैं बेटा ड्राइंग को, इसके बाद एक वैल्यू आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, जो वैल्यू आती है। एडजस्टेड कैपिटल, और फिर हम लोग माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल को। जब भी प्रॉफिट निकालने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में बोलता है ओपनिंग कैपिटल, सॉरी यहां पे ओपनिंग कैपिटल, ये आप साथ में लिख लीजिएगा। तो इसके बाद अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ताहा इसको नोट करा आपने? यस सर, हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखें, हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन नहीं है। आइए, तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है, एक मिनट, जी, गोकुल दास मेंटेन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस, ही वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑन 31st मार्च 2013 एंड फॉर दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, एक है 1st अप्रैल 2012 का बेटा, एक है 31st मार्च 2013। अब ध्यान से समझेंगे, डेट आप अच्छे से देखिए, एक है 1st अप्रैल 2012 और एक है 31st मार्च 2013, यानी एक ईयर के स्टार्टिंग के सारे डेटा गिवन है और एक ईयर के एंड का डेटा गिवन है। उसके बाद नीचे आ जाइए तो उसमें लिखा हुआ है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुल दास पेड फॉर हिज बिजनेस अकाउंट्स ₹4,80,000। कह रहे गोकुल दास का कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है जो कि बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट कर दिया गया। तो जो बेटा बिजनेस से कोई पर्सनल एक्सपेंस अगर पे किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने बोला गुड्स वर्थ ₹20,000 वर विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज, और गुड्स भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए गए हैं, तो ये भी हमारा ड्रॉइंग्स है। तो बेटा टोटल ड्रॉइंग बता सकते हैं कितना हो गया है? सर 5 लाख। बेटा एक तो हो गया आपका 4,80,000 प्लस, उसके बाद है आपके पास 20,000, टोटल हो गया जी ये 5 लाख रुपीस। अब नीचे की लाइन में आए, उसी के नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ, उन्होंने गहने अपनी वाइफ के गहने बेच दिए ₹3,50,000 में, एंड इन्वेस्ट दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, और उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया। बेटा ये एडिशनल कैपिटल है, और ये एडिशनल कैपिटल आपका आ गया है यहाँ पे 3,50,000। अभी प्रॉफिट निकालने के लिए ना आपको दो चीजें और चाहिए, एक चाहिए आपको क्लोजिंग कैपिटल और एक आपको चाहिए बेटा ओपनिंग कैपिटल। ये दो वैल्यू नहीं रहेगी, आप प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो इस दो वैल्यू के लिए जो ओपनिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, उससे हम लोग ओपनिंग का कैपिटल निकालेंगे, और क्लोजिंग का जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ईयर के एंड के जो एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है उससे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले कि सर ओपनिंग का अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए एक बैलेंस शीट हमें तैयार करनी पड़ती है। उस बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे ना, वैसे ही एक और बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए मैं एक बैलेंस शीट की तरह स्ट्रक्चर बना रहा हूं और यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन इसमें ये भी लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये कौन सी डेट का है? तो बेटा ये डेट है 1 अप्रैल 2012। क्वेश्चन में गिवन है 2012। उसके बाद आपको इस साइड में लाइबिलिटीज लिख देनी है बेटा, यहाँ पे आपको एसेट्स लिखना है, ये आपका हो गया जी अमाउंट, और ये भी आ गया जी आपके लिए अमाउंट। तो बैलेंस शीट जैसा ही होता है, लेकिन बैलेंस शीट होता नहीं, उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो देखिए 1 अप्रैल 2012 में पहला क्या लिखा हुआ बेटा वो बताइए सर। कैश 1,50,000। एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? सर कैश एसेट हो गया, तो एसेट्स में हम लोग इसको बेटा 1,50,000 लिख देंगे। नेक्स्ट बताइए बच्चे बैंक, उसको भी एसेट्स में लिखेंगे हम लोग, बैंक की वैल्यू है 7,50,000। उसके बाद है बेटा फर्नीचर, बेटा फर्नीचर की वैल्यू है 1,00,000 रुपीज। उसके बाद है स्टॉक, अच्छे स्टॉक की वैल्यू है 5,00,000 रुपीज। क्या ये वैल्यू मैं सही बता रहा हूं? यस सर। क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी होता है, कितना है बेटा क्रेडिटर्स? 3,50,000। और नेक्स्ट आइटम क्या है? डेटर्स। डेटर्स है ना, तो भाई डेटर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डेटर्स की वैल्यू बता दीजिए बेटा सर। 2,50,000। 2,50,000। तो हमारे सारे एसेट्स हमने लिख लिए, ठीक है जी। हमने लाइबिलिटीज जो जो दे रखी थी इसमें हमने लाइबिलिटीज भी लिख दी। अब क्या करना है, इसका टोटल कर देना, इधर का टोटल इस साइड के टोटल से जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग कैपिटल बोलेंगे। और ये जो कैपिटल है बेटा ये ओपनिंग कैपिटल होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कैपिटल की वो बैलेंसिंग फिगर होगा, आपको दोनों साइड इक्वल करने के बाद मालूम चलेगा। आप इधर का टोटल करके बताइए कितना आ रहा है बच्चे। सर 17,50,000। 17,50,000, वेरी गुड। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 17,50,000 और 350 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है? बोलिए बच्चे। यस सर। अब आइए, ये जो ओपनिंग कैपिटल है ना तहा, इसको बेटा यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल की जगह यहाँ पे हमने छोड़ी थी, यहां पे आकर 14,00,000 को लिख देंगे। कोई डाउट है तो बोल दीजिए, बताइए बेटा मैं बताऊं फिर से। नहीं सर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम दूसरा बनाएंगे। आप भी साथ साथ में बना रहे हैं ना? यस।
चलिए। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और डेट डाला हमने एज एट 31 मार्च 2030। डेट यही है, आप एक बार देख के बताइए चेक करके। जी बेटा, डेट तो यही है। दोबारा उन सारे आइटम्स को लिखना है, कैश है, कैश के बाद है बेटा बैंक, बैंक के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर के बाद है स्टॉक, स्टॉक के बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद है बच्चे डेटर्स। बताइए तहा, कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया बेटा? हाँ बेटा तहा। जी सर। सर मैंने सब कुछ लिख रहा हूँ ना, देख लीजिए कहीं पे मैच कीजिए, कहीं कुछ रह गया हो तो बताइए मुझे। जी सर, टोटल कीजिए, इसका बैलेंस निकालिए, इधर आपका कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल में हम बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे और वैल्यू टोटल कर लेंगे, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 25। कितना आ रहा है टोटल बेटा? 16,25,000। बताइए यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा 12,25,000। ठीक है, अब ये 12,25,000 को ऊपर जाएंगे, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, उस क्लोजिंग कैपिटल में इसको आप लिख लेंगे। ₹12,25,000, इसको सॉल्व करके एडजस्टेड कैपिटल बता दीजिए बेटा। क्या इतना आएगा? यस सर। तो बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। लॉस हुआ, तो इस प्रॉफिट को यहाँ ना लिख के यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? यहाँ लिखना चाहिए लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कितने का लॉस है? 25,000। ठीक है, समझ में आया ये आपको? यस सर, आ गया। तो बस यही सिंगल एंट्री का तो यही क्वेश्चन ही आया था बस। यस सर। तो आपको सिंगल एंट्री प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब और क्वेश्चन करें हम लोग जरा।
सर एक बार हाँ बोलिए। एसेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पूरा फॉर्मेट लिख दीजिए, वही जो भी नहीं चीज एसेट साइड और लायबिलिटी साइड जाती है। नहीं तहा जो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाती है ना चीजें, वही यहाँ पे आती है, सिर्फ नाम चेंज है ये। सर वही है ना? हाँ वही है, सेम होता है। अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो उसको माइनस भी करना पड़ता है। ठीक ठीक है सर। है, और बताइए कोई क्वेश्चन आपके पास है तो मुझे बताइए, मैं आपको 1 मिनट। नहीं सर अभी और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं। रुकिए, आपको वो नहीं सिंगल एंट्री में डेटर अकाउंट बनाना आता है आपको? नहीं सर नहीं आ रहा। अच्छा वहां पे से आपके पास बुक है इस वक्त? जी सर। अच्छा तो मुझे आप ऐसा कीजिए, उसमें सिंगल एंट्री का कोई क्वेश्चन देखिए जो आपसे ना हो, शुरुआत से देखते चलिए, 10 क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए। देखिए मेरे को भी दिख जाए तो आपको बताऊं, मुझे तो दिख नहीं रहा यहाँ पे 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हाँ सर आगे। जी, रीड करिए एक बार। ए कमेंस बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2020 विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर 2,000 रुपीज। ऑन 1st अक्टूबर 2020 He borrowed 5,000 from his wife at 9% per annum interest and also introduced further capital of his own of 50 of 1,500 rupees. A drew 300 rupees per month at the end of each month for household expenses. On 31st March 2021, his position was as follows: cash in hand 2,800 rupees, sundry debtors 4,800 rupees, stock 6,800 rupees, bills receivable 1,600 rupees, sundry creditors 500 rupees, and owing for rent 1,500 rupees. जी Furniture and fixtures to be depreciated by 10%. तो Ascertain the profit earned or loss incurred by A इसमें during the भी year end. आप पढ़ेंगे था तो इसमें भी प्रॉफिट और लॉस ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, यही बोला है ना? तो इसका जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भी आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना पड़ेगा, ये वाला, ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा पहले। समझ में आई बात? यस सर।
चलिए तो एक बार स्टार्ट कीजिए, तो आप मुझे बताइए बना के। क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद हम माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल, और ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स को, तो यहां वैल्यू आ जाती है एडजस्टेड कैपिटल की। एडजस्टेड कैपिटल उसके बाद हम लोग लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो ये आ जाता है बेटा प्रॉफिट या फिर लॉस। क्या वो बेटा बना?
हाँ बना रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ बताइए मुझे, क्लोजिंग कैपिटल लिखा है क्या था आपने? अच्छा नहीं सर, अभी तो पहली बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ मैं। ओके, देखिए पता क्या, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको सबसे पहले उन्होंने क्या लाइन लिखा था, कहा ध्यान से पढ़िए तो, ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल ना, विद द कैपिटल ऑफ ₹10,000 लिखा हुआ है। तो बेटा ये जो है ना, ये ओपनिंग कैपिटल है आपका, ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर खरीद के ₹5,000, फिर वाइफ से इन्होंने लोन लिया, लोन के बाद कुछ और भी इस्तेमाल हुए, एडिशनल कैपिटल इन्होंने ₹1,500 लगाए। तो इसमें कुछ चीजें जो जो दी जा रही हैं, जो काम की वो लिखते हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल ₹1,500 है, और इसमें ड्राइंग 300 per month के हिसाब से गिवन है, 300 per month के हिसाब से, 300 per month बोले तो 12 × 3 = 3600, 3600। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्लोजिंग कैपिटल के सर सिर्फ लिए 11 महीने नहीं होगा, कैसे बेटा, क्योंकि सर 31 मार्च को तो खत्म हो गया। तो 1 अप्रैल में साल स्टार्ट भी तो हुआ हाँ बराबर हो गया। है ना। अब ना, अब आपको 31 मार्च 2021 का जो है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, क्लोजिंग के लिए सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, ध्यान ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो चलिए क्लोजिंग के लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज एट 31 मार्च, जो लास्ट का डेट है वो लिख देंगे। इधर आपकी लाइबिलिटीज आ गई, एसेट्स आ गया, अमाउंट आ गया बेटा, और ये भी अमाउंट हो गया। जी बेटा, हाँ जी सर। बताइए ना, बना लिया, हाँ हाँ सर। बताइए क्या क्या लिखा आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? सर एसेट्स में कैश इन हैंड, वेरी गुड, कैश इन हैंड,
सनड्राई डेप्टर्स, सनडे डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक, एक मिनट रुकते, एक मिनट, एक मिनट, एक कॉल आ रही है सर। हाँ बेटा, स्टॉक, बिल्स और सर रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल हाँ, बस, सन्ड्री क्रेडिटर लिखा, लायबिलिटी साइड, और सर रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड लिखना है आपने, और फर्नीचर जो आप लिखेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है बेटा, जी सर। ठीक है। अभी इसमें और भी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं। देखिए, आपने सारी चीजें लिख ली, लेकिन आपने वहां पे एक लोन लिया गया था, अपने फ्रेंड से इन्होंने लोन लिया था, वो लोन कितने का था, या वाइफ से लोन लिया था बेटा, कितने का लोन था वो? सर 5,000 रुपीज का था, तो वो लोन 9% जो पर दिया है एनम। उस पे इंटरेस्ट अब तक दिया नहीं उन्होंने, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। 5,000 का लोन ये कब लिया था इन्होंने बेटा? 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने हो गए? 6 months। तो ये वैल्यू आ गई जी 225। बाकी सारी वैल्यू लिख लीजिए आप, यहाँ पे आपका कैपिटल आ जाएगा, वो बैलेंसिंग फिगर होगा, जी सर कैपिटल मेरा आया सर 11,925। बिल्कुल सही आया। अब ये ऊपर आप, मैं जाकर, आप 11,925 लिख लीजिए, 11,925 लिख लीजिए, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। सर 14,025 रुपीज। क्या चीज है एडजस्टेड कैपिटल? यस सर। 14,025 रुपीज, हाँ तो ऐसे आ रहा है ना। ठीक है, और इसमें से ये माइनस होगा तो 4,025, यही कह रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ये हो गया हमारा सिंगल एंट्री का, तो थोड़ा सा आपको एक क्लियर तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन है बेटा 15, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ अभय, मिला आपको? यस सर। इसमें आप देखिए, पहले तो इसमें भी इन्होंने यही बोला होगा कि भाई, जो हमें एंड में आप रीड करके देखिए क्वेश्चन में, कि क्या इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला। तो ऊपर में देखिएगा, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है बेटा, असर्टेन दी प्रॉफिट और लॉस, ऐसे लिखा हुआ है ना। यस सर। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जब असर्ट असर्टेन दी प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हैं, इसका मतलब है फिर से वही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है आपने। ठीक है सर, हाँ सर। तो स्टार्ट कीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पहले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, फिर स्टेटमेंट सर ऑफ, ये जो बैंक बैलेंस दिया हुआ है हाँ बेटा, ये, और फिर अमाउंट के साथ क्रेडिट और डेबिट लिखा है, वो उसका क्या मतलब?
देखिए जो एसेट्स होता है ना उसका मतलब होता है डेबिट। डेबिट को दूसरे लफ्जों में हम एसेट्स भी कह सकते हैं, यानी एसेट्स में जो भी चीजें आती है उसका डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन ये बैंक बैलेंस क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब बैंक ना माइनस में जा रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से अगर हमारे हिसाब किताब में बैंक क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि बैंक माइनस में जा रहा है। ओवरड्राफ्ट है, इसको आपको लायबिलिटी साइड लिख के दिखाना है बैंक बैलेंस को। एक को एसेट्स में लिखना है 2021 में, और 2020 वाले में जब आप बनाएंगे तो वहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड। क्लियर? यस सर। करिए इसको सॉल्व, मैं वेट करता हूँ आपका। इस चैप्टर में ना दो टॉपिक है, एक तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला और एक है डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट वाला।
कर पा रहे हो क्या? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ यार मेरे को। अच्छा हाँ सर हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। ओके, तो इसमें दूसरा जो टॉपिक है बेटा वो वाला है जो मैंने आपको बताया कि डेटर्स और क्रेडिटर को। तो पहले आपको मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस इसमें से आप बना ले, शुरू से स्टार्ट करेंगे आप, और तकरीबन ये एक टॉपिक होगा 20 से पहले पहले, देखना जरा। यस सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक है। 17 तक ना, 17 तक आप सारे बना लीजिए, और फिर आगे का जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आप चाहें तो कल की क्लास रख देंगे हम, ठीक है आपने? हाँ सर, कल भी आप क्लास रख लीजिए। हाँ सर को एक बार बता देना, ठीक है? ओके सर। लेकिन हाँ प्लीज माइक ऑन करना। आज देखो तुम्हें समझ में भी आया, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगा, ठीक है? चलो ओके सर। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।